हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की हमारे इस नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों कैसे दोस्तों आप अपने वीवो के फ़ोन में दोस्तों आप अपने कैमरा सेटिंग को रीसेट कर सकते हो। मतलब दोस्तों आपकी जो भी कैमरा प्रॉब्लम है, लैग प्रॉब्लम है, हैंगिंग प्रॉब्लम, आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो अपने वीवो के फ़ोन में, आज की वीडियो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो पसंद है दोस्तों वीडियो को लाइक करना। दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है कैमरा प्रॉब्लम फिक्स करने के लिए, दोस्तों यहाँ पर आप तीन तरीके से कर सकते हो। दोस्तों मैं आपको तीनों ट्रिक बता देता हूँ वन बाय वन करके। पहले दोस्तों हम इसको जाएंगे फ़ोन की सेटिंग से सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले आपको अपने व्यू फोन की ऐप सेटिंग में जाना है और यहाँ पर आपको सी ऑल पर क्लिक करके आपको कैमरा को सर्च करना है। दोस्तों आप कैमरा पर क्लिक कर लो। दोस्तों यहाँ पर आपको स्टोरेज पर क्लिक करना है और आपको क्लियर स्टोरेज कर देना है अपना कैमरे का, ठीक है दोस्तों। जैसे आप इसको क्लियर स्टोरेज करते हो, जैसे दोस्तों आप फोन कैमरा पे क्लिक करोगे पहले आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पर आपको इस पर एग्री कर लेना, मतलब आई हैव रीड द प्राइवेसी स्टेटमेंट। दोस्तों यहाँ पर आप इसको पढ़ने वढ़ने के बाद यहाँ पर आपको एग्री कर लेना है। और दोस्तों यहाँ पर आप अपने फ़ोन में कैमरा सेटिंग यूज़ कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम वगैरह के। दोस्तों यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करोगे आपके जो भी कैमरा सेटिंग है यहाँ पर आके दोस्तों आप यूज़ कर सकते हो। और दोस्तों जो दूसरा तरीका है आपको वो कैमरा सेटिंग में जाके क्या करना है, सबसे पहले आपको फ़ोन के कैमरा सेटिंग पे क्लिक करना है। दोस्तों कैमरा सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आप कैमरा फोटो मार्क यूज़ कर सकते हो, शूटर साउंड है दोस्तों, कैमरा लोकेशन सेटिंग ऑन कर सकते हो। दोस्तों जो रीसेट ऑप्शन दिख रहा है आपको उस पर क्लिक करना है और ओके कर देना है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको दोबारा से नोटिफिकेशन मिल जाएगा, सेम नोटिफिकेशन है। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों आप कहीं से भी कर सकते हो, फ़ोन की सेटिंग में जाके कर सकते हो हैंगिंग प्रॉब्लम सॉल्व को, या यहाँ पर दोस्तों आप कैमरा सेटिंग में आके सॉल्व कर सकते हो। अब दोस्तों जो लास्ट तरीका है मैं भी आपको वो इसी वीडियो में बताता हूँ। दोस्तों दोनों तरीके तो हो गए, और जो तो लास्ट ऑप्शन है वो आप ऐसे कैमरा पर प्रेस करोगे, ऐप इन्फो पे क्लिक करोगे, स्टोरेज पे। दोस्तों यहाँ पर आप डायरेक्ट क्लियर कैच और क्लियर स्टोरेज कर सकते हो। तो दोस्तों बस एक शॉर्टकट सेटिंग हो गई। दोस्तों सेम ही चीज़ हमने करी है वहाँ पे भी, यहाँ पे भी, पर दोस्तों यहाँ पे बस मैंने कैमरा पे प्रेस करा था। तो दोबारा से नोटिफिकेशन आएगा, आपको इस पर एग्री कर देना है। और दोस्तों यहाँ पर आपके जो कैमरा हैंगिंग प्रॉब्लम थी, दोस्तों जो आपका कैमरा यहाँ पे लैग हो रहा था, आप कोई मोड वगैरह यूज़ नहीं कर पा रहे थे इसके, दोस्तों आपने नाइट मोड पे फोटो क्लिक कर लो, फोटो क्लिक नहीं हो रही थी, या पोर्ट्रेट मोड पे, या दोस्तों यहाँ पर आप कुछ वीडियो वगैरह बना रहे थे, फोटोज़ ले रहे थे, टाइम लैप्स या कोई सी भी सेटिंग आप यूज़ कर रहे थे नहीं कर पाते, वो आप कर सकते हो इसको क्लियर कैच करने के बाद। तो दोस्तों आप इस तरीके से अपने कैमरा लैग और हैंगिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और दोस्तों कोई भी डाउट हो और दोस्तों इसको क्लियर कैच करने के बाद अगर आपके फ़ोन में कोई प्रॉब्लम आती है दोस्तों आप अपने सर्विस सेंटर जाके दिखा सकते हो अपने कैमरे की सेटिंग को। मतलब दोस्तों आप अपने फ़ोन के कैमरे को इसमें क्या प्रॉब्लम है आप वहाँ से इनके बारे में जानकारी भी ले सकते हो। तो चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय दोस्तों।